अगर आपका बजट 40,000 तक है और आपको अपने लिए एक बेस्ट लैपटॉप बाय करना है जिस पर आप कोडिंग करना चाहते हो, प्रोग्रामिंग वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, ऑटोकैड जैसे सॉफ्टवेयर रन करना चाहते हो, या ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे काम करना चाहते हो, या फोटोशॉप रन करना चाहते हो, या अपने लिए कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, ब्लॉगिंग करना चाहते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 ऐसे लैपटॉप्स के बारे में। भाई टॉप 5 वाला जमाना गया। क्या बोला तूने? इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 ऐसे लैपटॉप्स के बारे में जिनको आप 40,000 के बजट में बाय कर सकते हो। और ये तीनों ही लैपटॉप मेरी नजर में सबसे बेस्ट लैपटॉप है क्योंकि इन सभी लैपटॉप्स में आपको क्वाड कोर सीपीयू मिलता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे हैं, वहां पर ज्यादातर लोग आपको ड्यूल कोर सीपीयू वाले लैपटॉप ही रिकमेंड करते हैं जो कि आज के टाइम में भाई सही नहीं है। क्योंकि अगर आप एक 40,000 का बजट लेके चलते हो मार्केट में तो एटलीस्ट आपको क्वाड कोर सीपीयू वाला लैपटॉप मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्वाड कोर सीपीयू वाले लैपटॉप्स इंक्लूड किए हैं इस लिस्ट में। इसी के साथ में इन सभी लैपटॉप्स में आपको 8GB की मिनिमम रैम मिल जाती है। स्टोरेज में यहाँ पर आपको SSD मिलेगी। मैं यहाँ पर हार्ड ड्राइव वाला लैपटॉप रिकमेंड नहीं करूंगा। एंड इन सभी लैपटॉप्स की डिस्प्ले Full HD रहेगी। इन सभी लैपटॉप्स में आपको विंडोज 11 फ्री मिलेगा और MS Office भी फ्री मिल जाएगा। और इन लैपटॉप्स में एक खास बात और मिलेगी, इन सभी लैपटॉप्स की रैम को आप एक्सटेंड कर सकते हो और स्टोरेज को भी एक्सटेंड कर सकते हो। और क्या ही चाहिए आपको 40,000 के बजट में। इस लिस्ट का फर्स्ट लैपटॉप है डेल इंस्पिरॉन 3525। ये लैपटॉप हाल ही में लॉन्च हुआ है एंड इसमें आपको एक डिसेंट कॉन्फिगरेशन मिल जाती है। और रिसेंटली हमने इस लैपटॉप की अनबॉक्सिंग भी की है, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी, आप जाकर जरूर से चेकआउट करना। तो इस लिस्ट के फर्स्ट लैपटॉप में आपको AMD का Ryzen 3 5425 CPU मिल जाता है। ये एक क्वाड कोर CPU रहेगा। ज्यादा डिटेल्स आप इंटरनेट पे गूगल कर सकते हो। और इसमें आपको 4 कोर R3 का ऑप्शन मिल जाता है। रैम में यहाँ पर आपको 8GB DDR4 3200MHz की रैम मिल जाती है जिसको आप 16GB तक अपग्रेड कर पाओगे। स्टोरेज में यहाँ पर आपको 512GB की M.2 SSD मिल जाती है। और इस लैपटॉप में आपको एक 2.5 इंच का SATA स्लॉट खाली मिल जाता है। तो फ्यूचर में आप इस लैपटॉप की स्टोरेज को एक्सट्रीम लेवल तक अपग्रेड कर सकते हो। ग्राफिक्स में यहाँ पर आपको AMD Radeon ग्राफिक्स मिल जाता है जिसमें आपको 6 GPU कोर और 1600MHz की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। ये एक इंटीग्रेटेड GPU है और ये इजीली आपको कैजुअल गेमिंग करवा देगा। कनेक्टिविटी में यहाँ पर आपको Wi-Fi 5 और Bluetooth 5.0 का ऑप्शन मिल जाता है। डिस्प्ले में यहाँ पर आपको 15.6 इंच की फुल HD WPA पैनल की डिस्प्ले मिल जाती है। इसमें आपको एंटी ग्लेयर कोटिंग मिलने वाली है। 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है और 250 nits की ये डिस्प्ले रहेगी। तो डिस्प्ले इस लैपटॉप की ऑसम है। बैटरी में यहाँ पर आपको 3 cell 41 watt hour की बैटरी मिल जाती है। 65W का AC अडेप्टर मिल जाएगा। HD वेबकैम का ऑप्शन मिल जाता है और इसमें आपको सिंगल इंटीग्रेटेड माइक का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इस लैपटॉप में आपको सभी जरूरी पोर्ट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें आपको 2 watt के ड्यूल स्पीकर मिल जाएंगे और इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहेगी। वेट इस लैपटॉप का 1.68 kg का रहेगा। तो आप इस लैपटॉप को इजीली कैरी कर सकते हो। इसमें आपको विंडोज 11 और MS Office 2021 फ्री मिल जाएगा। अगर आपको ये लैपटॉप बाय करना है तो बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है, आप जाकर जरूर से चेकआउट करना। अब इस लिस्ट का सेकंड नंबर का लैपटॉप है HP 14S DY2506TU। अगर आपको इंटेल वाले लैपटॉप पसंद है तो डेफिनेटली भाई ये लैपटॉप आपको पसंद आएगा। इस लैपटॉप में आपको इंटेल का Core i3 11125G4 CPU मिल जाता है। ये क्वाड कोर वाला CPU है। इसमें आपको 4 कोर R3 मिल जाएंगे एंड इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रहेगी। रैम में यहाँ पर आपको 8GB DDR4 रैम मिल जाती है जिसको आप 16GB तक अपग्रेड कर सकते हो। तो ये सभी लैपटॉप फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप रहेंगे रैम के मामले में। स्टोरेज में यहाँ पर आपको 256GB की M.2 SSD मिल जाती है और यहाँ पर आपको स्टोरेज के लिए कोई भी एक्स्ट्रा स्लॉट खाली नहीं मिलेगा। तो अगर आपको फ्यूचर में स्टोरेज को अपग्रेड करना है इसी SSD को रिप्लेस करके अपग्रेड करना पड़ेगा। ग्राफिक्स में यहाँ पर आपको इंटेल UHD ग्राफिक्स मिल जाता है। कनेक्टिविटी में यहाँ पर आपको Wi-Fi 5 और Bluetooth 5.0 का ऑप्शन मिल जाता है। कनेक्टिविटी के मामले में ये लैपटॉप आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। डिस्प्ले में यहाँ पर आपको 14 इंच की फुल HD डायगोनल डिस्प्ले मिल जाती है। इसमें आपको IPS पैनल मिलने वाला है और 250 nits और 45% का NTSC सपोर्ट मिल जाता है। तो ये डिस्प्ले बहुत ही ऑसम है। इस प्राइस पॉइंट पे आपको कोई भी ब्रांड IPS पैनल ऑफर नहीं करता है। बैटरी में यहाँ पर आपको 3 cell 41 watt hour की बैटरी मिल जाती है और 65W का AC अडेप्टर मिल जाएगा। इनका बैकअप इजिली आपको 4 से 5 घंटे का मिलने वाला है। HD वेबकैम का ऑप्शन मिल जाता है और ड्यूल इंटीग्रेटेड माइक के भी ऑप्शन मिल जाएंगे एंड इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहेगी। इसमें आपको बैकलिट कीबोर्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा और ना ही फिंगरप्रिंट रीडर का ऑप्शन मिलेगा। इस लैपटॉप में भी आपको सभी जरूरी पोर्ट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं और 2 watt के ड्यूल स्पीकर मिल जाएंगे जिनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहेगी। वेट इस लैपटॉप का 1.46 kg का रहेगा। ये लैपटॉप बहुत ही लाइट वेट है। अगर आप एक लाइट वेट और कॉम्पैक्ट लैपटॉप बाय करना चाहते हो तो डेफिनेटली भाई ये लैपटॉप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसमें भी आपको विंडोज 11 फ्री मिल जाएगा, MS Office मिल जाएगा और अलेक्सा का भी सपोर्ट मिल जाता है। अगर आपको अपने लैपटॉप में ये वाला फीचर चाहिए तो डेफिनेटली आप इस लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हो। अब इस लिस्ट का लास्ट और सबसे तगड़ा लैपटॉप है लेनोवो थिंकबुक 15। ये इंसेन लेवल का लैपटॉप रहेगा क्योंकि इस लैपटॉप की रैम को आप 40GB तक अपग्रेड कर सकते हो। इसमें आपको AMD Ryzen 3 5300U CPU मिल जाता है। 4 कोर R3 वाला CPU है और ये भी आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवा देगा। रैम में यहाँ पर आपको 8GB DDR4 3200
मेगाहर्ट्ज की रैम मिल जाती है जिसको हम 40 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। स्टोरेज में यहाँ पर आपको 512 GB की M.2 SSD मिल जाती है और इसमें आपको एक और स्लॉट खाली मिल जाएगा, तो इस लैपटॉप की स्टोरेज को भी आप अपग्रेड कर पाओगे। ग्राफिक्स में यहाँ पर आपको AMD Radeon ग्राफिक्स मिल जाता है जिसमें आपको 6 Core GPU के मिल जाएंगे और 1500 MHz की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। तो ये लैपटॉप इजिली 720p रेजोल्यूशन पे आपको गेमिंग करवा देगा। कनेक्टिविटी में यहाँ पर आपको Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.1 का सपोर्ट मिलता है। इस लैपटॉप में आपको लेटेस्ट कनेक्टिविटी के ऑप्शन मिलने वाले हैं एंड ये आपको इम्प्रेस भी करेगा। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 15.6 इंच की फुल HD एंटीग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है और ये TN पैनल वाली डिस्प्ले रहेगी। इसमें आपको 220 nits का ब्राइटनेस सपोर्ट मिल जाता है। इसमें इस लैपटॉप की एवरेज रहेगी। बैटरी में यहाँ पर आपको 3 cell 45 watt hour की बैटरी मिल जाती है और लैपटॉप के साथ में 65 watt का टाइप सी वाला चार्जर मिल जाता है एंड ये वाली चीज आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। वेबकैम में यहाँ पर आपको HD वेबकैम के साथ में प्राइवेसी शटर का भी ऑप्शन मिल जाएगा और इसमें आपको ड्यूल डिजिटल अरे माइक्रोफोन्स के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। कीबोर्ड की बात करें तो इसमें आपको बैकलिट कीबोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, फिंगरप्रिंटर का भी ऑप्शन मिल जाता है, 2 watt के ड्यूल स्पीकर मिल जाते हैं और इसमें आपको डॉल्बी ऑडियो का भी सपोर्ट मिल जाता है। वेट इसका 1.7 kg का रहेगा तो ये लैपटॉप इजीली आप कैरी कर सकते हो। MS ऑफिस फ्री मिल जाएगा और विंडोज 11 भी फ्री मिल जाता है। तो लेनोवो का थिंकबुक 15 एक फुली फीचर लोडेड लैपटॉप है एंड इसको आप 40,000 के बजट में आंख बंद करके कंसीडर कर सकते हो। इस लैपटॉप में आपको फीचर्स की कोई भी कमी नहीं मिलेगी और जो इस लैपटॉप की प्राइस है वो भी काफी अग्रेसिव है। अगर आपको इनमें से कोई भी लैपटॉप बाय करना है तो बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर जरूर से चेकआउट करना। अगर आप इनमें से कोई भी लैपटॉप बाय करते हो तो आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा और ये मेरी तरफ से बेस्ट लैपटॉप है जिनको आप 40,000 के बजट में बाय कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो जो भी ये लैपटॉप बाय करना चाहता है। एंड लैपटॉप्स को लेकर आपको कोई भी डाउट है तो इंस्टा पे आ जाओ और रिसेंटली मैंने 3-4 अनबॉक्सिंग वीडियोस अपलोड किए हैं, आप उन पे भी अपना प्यार बरसा सकते हो, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपको एक और जबरदस्त वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।